बिल्ट बाय लेट जगन्नाथपुरी, ये उन्होंने मेमोरी ऑफ हिज मदर। तो मैं इस सीढ़ियों बह के अपने आप उस जमाने च लै गया वा कि जो इतने गड़तल पिंड के रिच जो हिंदू सन पूरी उन्होंने स्कूल बनाया होना है देवी दिता मलपुरी इन ए आ गया जनाब उ पुरानी सीढ़िया तो सामने हेडमास्टर साहब का कमरा है ए उत्ते जाने वास्ते यह भी पुरानी सीढ़िया छोटी इट ना बनिया ए जनाब इस साइड तो मजीद कमरे बहुत बड़ा स्कूल से पुरानी अलमारियाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ जी तो ये उत्तों के थोड़े जे मनाजर तुम विखा लें उत्ते की जो बजुर्ग ने छड़ के गए ने उन्होंने क्यों पूछे कि दर्द की सी जड़ियाँ चीज़ा सन इतने छड़ के गए। यह लिखा जी दीवान ज्ञान चंद साहपुरी ने अपनी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो में तुहाडी खिदमत च हाजिर। तो इस वेले मैं तुहानू वहा लांगा पिंड गड़तल दे च कदीमी स्कूल पुराना जिहड़ा इत्थों दे रिच हिंदू पूरी खानदान ने बनाया सी। ठीक है ना, तो इस पूरे इलाके च उदों कोई स्कूल नहीं सी हुंदा वड्डा जिहड़ा कि पक्का स्कूल ये उदों बनिया सी पार्टीशन तों पहले। यह स्कूल अज भी ओरिजिनल हालत मौजूद है। अंदर चलने जिथे स्कूल दे विच डोनेशन करन वाले हिंदू जिहड़े रिच हिंदू सन उहनां दे नां दीआं तख्तियां अज भी लगियां ने। तो सारा तुहानू विजिट करवाने आ पिंड गड़तल जिला सियालकोट तहसील थंबड़ेवाल ते पहले तहसील डस्का हुंदी सी। लो जी ए वे कदीमी जिहड़ा स्कूल हैगा पिंड गड़तल दे विच इहदा बैरूनी मंजर तुहानू विखा रहा अंदर जाके भी दिखा लां लेकिन यह देखो यह बिल्कुल अलग थलग हैगा पिंड नालों बार बार बनिया है। तो यह कुछ पैलियां दे एकर छड़ के ते यह पिंड आ जांदा है गड़तल। ये जिहड़ा अमीर तरीन हिंदू पूरी दीवान जिहड़े सन उन्हां दा पिंड सी उन्होंने यह स्कूल बनवाया सी उस दौर दे। चलो अंदर चल रहे हैं। यह जी स्कूल का मेन दरवाज़ा जिदे उत्ते लिखा है गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल गड़तल। यह गड़तल लिखा तहसील संभड़ेवाल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। ये पहला संभड़ेवाल तहसील बनने तो पहला यह तहसील डस्का होंदी सी। ਇਹ ਜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਗੜਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਭੜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ रिच हिंदू। तो यह स्कूल के बनाने वेच भी वो जिहड़े इत्थों दे पूरी खानदान से उन्होंने बड़ा हाथ है उन्होंने इत्थे डोनेशन दित्तियां सन। यह जी बहुत इत्थे पुराने जिहड़े ने बोर्ड दे दरखत यह भी दस्या गया कि पुराने वक्तां दे लगे ने तीन। ओह वेखो जी कितने गए बूटे लाने वाले लोग जिन्होंने बूटे लाए सन। तो आज तुम देखो वो लोग इतने नहीं लेकिन बूटे मौजूद ने। तो यह बिल्डिंग स्कूल की बैरूनी मंदिर तुम दिखा रहा देखो जी कि अरसा हो गया इस स्कूल नू। ठीक है तो अज भी यदि इमारत मौजूद ने। यह थले वाला सारा हिस्सा देखो बने उत्ते नक्श नगार ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। अगर सारा मैं विजिट करवाना पहला मैं एक साइड तो शुरू हूँ यह आ गया जनाब उ पुरानी सीढ़िया तो सामने हेडमास्टर साहब का कमरा है ए उत्ते जाने वास्ते यह भी पुरानी सीढ़िया छोटी इट ना बनिया। अच्छा इतने एक चीज़ सामने दस दिया
एक कलर अगर कमरे ये भी पुराना छत है कि नवी ने पता लगे लेकिन बिल्डिंग पुरानी है। देखो जनाब पुराने दरवाजे स्टाफ रूम पुराने जनाब वह कमरे तो इत जो कोई चीज़ नज़र आई है जी। अच्छा अच्छा देखो जी ए लिखे जी बिल्ड बाय एल हमने पता नहीं किस एल फॉर की है देवी दित्ता मल पुरी इन लिखा जी हिज फादर लेट मूल राज ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट डाइड 10 नवंबर 1923 जी वफात तो उन्होंने देवी दित्ता मल पुरी साहब जो ने उन्होंने बनवाया से अपने फादर के नाँ के उत्ते जरा यह कमरा से जरा ये अजकल हेडमास्टर साहब का कमरा है बरामदे नज़र आ रहे हैं जी वो ही सारे पुराने स्कूल बने। देखो जी पुरानी अलमारियाँ कुछ भी चेंज नहीं है जी। पता नहीं किन्ने को लोग इतों पढ़ चुके ने ए ना लिखे ने जिन्होंने एजाज ले ने पार्टीशन तो बाद 1947 तो बाद लिखे 1947 ए उस तो बाद जो मोहम्मद शरीफ चीमा से उन्होंने 605 नंबर लेने तो कुल नंबर सन 850 उस तो बाद 1948 1949 50 51 52 जड़े जड़े लड़के पास होंगे गए ने लिखा जी बिल्ड बाय भी लेट देवी दित्ता मल पुरी तो ये भी उन्होंने अपना जो है सन अपने सन भोला नाथ हु डाइड ऑन 18 नवंबर 1925 यह उन्होंने याद बनाया गया। जी वाह ए लिखे जी इन मेमोरी ऑफ बी गोपाल सिंह पुरी बाय हिज सन बलवंत सिंह एंड चुनी लाल ए जरा पोर्शन है ये इन्होंने बनवाया सी गोपाल सिंह पुरी ने चलो जी तुम एक होर दिखा एक धरती नज़र आई है ये उर्दू च लिखी है बाबू नंद लाल साहब व बाबू मनोहर लाल साहब पसरान लाला रलिया राम साहब पुरी ने यादगार अपनी माता श्रीमती मादे देवी जिनका देहांत 19 दिसंबर 1929 में हुआ और 1931 में बनवाया। लो जी 1929 को उनकी डेथ हुई थी और 1931 में ये बनवाया गया था ये पोर्शन। ये सारे पोर्शन जो है ना वो जो जिन्होंने डोनेट किया था उनके नाम आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। यह पुराना दरवाज़ा ताला नया बाकी हर चीज़ पुरानी है कुंडी पुरानी लेकिन नकाबले इस्तेमाल इतने लिखा गया है यह कमरे की गल हो रही है ये कमरा दीवान करतार नाथ साहब पुरी ने अपने पिता बुजुर्गवार मरहूम दीवान बुरजलाल साहब पुरी जिनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1924 को ऐ बनवाया से उन्होंने अपने वालद साहब वास्ते ठीक हो गया। यह गेट नवा लगे दरवाज़ा इतों ख़त्म हो गया से गेट नवा देखो जी कि खूबसूरत स्कूल के मुनाजर अज भी मौजूद है कि जनाब इस साइड तो मजीद कमरे बहुत बड़ा स्कूल से ए सारा
अहाता सिहन। वाह जी वाह। अच्छा जी, यह लिखा जी राय, उर्दू च लिखा राय बहादुर लाल ब्रज लाल साहबपुरी ने 1930 में बनवाया यह जरा कमरा से। वेखो जी अगे आ जाओ। यह लिखा जी दीवान ज्ञान चंद साहबपुरी ने अपनी पत्नी श्रीमती द्रौपदी देवी की याद में 1930 में बनवाया। लो जी अगे ऐ फिर लिखे उर्दू जी दिव्य यद एक है दियो यद हा यदियाल तमीर का दीवान ज्ञान चंद मुल्क राज 1928 में। ऐ जी एक और लिखा इतने बिल्ट बाय लेट जगन्नाथपुरी ए उन्होंने मेमोरी ऑफ हिज मदर श्रीमती लक्ष्मी देवी हु डाइड ऑन 20 जनवरी 1927 ये उनकी याद में है। एक क्या लिखा जी ये यादगार जो है ना ये भी जी पूजिया पता बुजुर्गवार लाला लखपत राय साहब बंबड़ी उनके स्पंत्रों ने तमीर कराया। तो ऐ जनाब ये कमरा लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल साहब पूरी सिविल सर्जन ने 1930 में बनवाया। ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਕਰਨਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੜਤਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੋਈ 125 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੜਤਲ ਸਕੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੜਿਆਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੜਤਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਛਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ
ਓਏ ਹੋਏ ਚਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚਬਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਗੇਟ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਐਗਜੈਕਟ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਪੈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੁਛ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਰਾਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੂਲ ਜੀ ਘੜਤਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੰਬ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ